हेलो। चलिए, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। सर, मैंने आपको बताया चेक करना थोड़ा सा ज़रूरी है, अगर चेक नहीं करते ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कंटिन्यू। ठीक है, देख लेता हूँ आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं। ठीक ठीक है, आवाज ठीक से आ रही है, गुड। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, कंप्लीट मॉडल बेस कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने स्पून मॉडल के लिए। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख लेते हैं एक बार, टॉप व्यू में किस तरह से दिख रहा है आपको। ऐसा, इसके जरा कर्व हटा दूं मैं एक बार। कर्व हटा के अगर मैं इसको देखता हूँ तो किस तरह का दिखेगा हमको, ये देखो। ठीक है, इसमें ये है हमारा रनर। ठीक है, ये है इसके गेट पॉइंट, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। एक डिस्क टाइप का गेट हम लोगों ने बेसिकली बनाया है, तो ये सभी कंपोनेंट मिलके एक राउंड एक पोर्शन बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट मोल्ड है। ठीक है, चलो यहाँ से इसको इस तरह से देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर हम लोगों ने गाइड प्लेयर और गाइड बुश को क्रिएट करा था, और गाइड प्लेयर और गाइड बुश को क्रिएट करते हुए हम लोगों को इसमें और भी अभी कंपोनेंट बनाने हैं, जैसा मैंने आपको बताया था चाइल्ड पार्ट बनाने हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखो यहाँ पर रजिस्टर रिंग बनाई है, स्प्रू बुश बनाया है। ठीक है, और स्प्रू बुश को बनाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर हमको यहाँ पर एक कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ताकि घूम ना सके, घूमे ना। ठीक है, चलते समय क्या होता है, प्रेशर होता है, क्लैंपिंग फोर्स होता है, तो बहुत सारी ऐसे कुछ कंडीशंस आ सकती हैं कि ये कभी रोटेट हो सकता है, थोड़ा सा भी घूम सकता है, तो इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है ना। चलो, तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसके अंदर कुछ चाइल्ड पार्ट है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो चाइल्ड पार्ट को बनाने के लिए इसके अंदर तो मुझे इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट को बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको भी इधर मूवमेंट कर देता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, यहाँ से एक काम करते हैं, 1, 2 और 3। ओके, इधर इस यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगी इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, तो उससे हम लोग इजेक्टर पिन्स को जोड़ेंगे। ओके, चलो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो आज थोड़ा सा लेक्चर लेने में थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तो टाइम 5 to 7 मतलब मैं कभी भी ले लेता हूँ, लेकिन क्या है कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे माफ कर सकते हो तो कर दीजिएगा। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, इसको वन देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो वन दिख रहा है ना, हम लोगों ने इसके बीच में क्लियरेंस दिया है। ठीक है, क्लियरेंस कहाँ दिया है, जो आपका स्पेसर का फेस है, स्पेसर का फेस और आपका इजेक्टर बैक प्लेट दोनों के फेस के बीच में हम लोगों ने एक क्लियरेंस प्रोवाइड कराया है। ओके, यहाँ से कर देते हैं इसको थिकनेस। चलिए, इसकी थिकनेस दे देते हैं कुछ, तो इसकी थिकनेस मैं देता हूँ यहाँ से 40, और यहाँ से देते हैं इसको और 10 कम कर देते हैं यहाँ से, और इसको कर 10 mm का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 10 mm का हम लोग रेस्ट बटन लगाएंगे। ओके, क्या लगाएंगे, रेस्ट बटन। चलिए, यहाँ पर फिर करते हैं रीजन बाउंड्री सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं 10 mm इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ 30, 30 ज्यादा हो जाएगा, 25 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। चलिए, ठीक है। इजेक्टर बैक प्लेट जो है इजेक्टर प्लेट से थोड़ा सा छोटा होता है, तो यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर लगाएंगे रेस्ट बटन। चलिए देखते हैं, तो मोल्ड बेस बेसिकली यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस आपके कंपोनेंट की हाइट से ज्यादा होना चाहिए, या तो फिर जो देखते हैं कितना है, ये है 35 mm। ओके, टोटल वहां पर कितना एमएम था, 17 mm था, तो यहाँ पर 35 mm है। ठीक है,
कोई बुरा नहीं है, सही है बिल्कुल। यहाँ से कर्व को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको 5 mm और बढ़ा देते हैं, कम कर 10 mm और बढ़ा देते हैं, 110 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका मोल्ड बेस तैयार हो चुका है, जिसके अंदर अभी आप लोगों ने यहाँ पर इसको भी करना है हमको। चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग अब कुछ पोर्शन बनाना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ेगा हमको इजेक्टर पिंस। ठीक है, तो इजेक्टर पिंस की हमको पोजीशन कहाँ देना है, तो वो चीज हमको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं तो इजेक्टर पिन की पोजीशन के लिए हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर इजेक्टर पिन की पोजीशन हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक स्पून पे देनी पड़ेगी मे भी, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें एक इजेक्टर पिन की पोजीशन बनाते हैं, एक सेंटर वाला स्प्रू पुलर क्रिएट करते हैं, और ठीक है स्प्रू पुलर एक क्रिएट कर देते हैं हम लोग सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को जरूरत नहीं है इजेक्टर पिन लगाने की, सिर्फ सेंटर में एक स्प्रू पुलर जो कि इजेक्टर पिन का काम करेगा, साथ में पूरे जो कंपोनेंट है और विथ फीड सिस्टम उसको पुल करके रखेगा। ठीक है ना, मतलब खींच के रखेगा, पुल करके रखेगा। ओके चलो, तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से एक कोई कंपोनेंट लेते हैं, एक ये वाला रनर फीड सिस्टम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इजेक्टर प्लेट ले लेते हैं और इसको करते हैं ओके। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको करते हैं ओके, इसको करते हैं ओके। यहाँ से सेंटर से मैं एक करता हूँ, एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सर्कल को कितना ड्रॉ करूंगा मैं, यहाँ पर लूंगा मैं 10 mm का सर्कल, 10 mm थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको वो सिलेक्शन करना है जो मार्केट में पहले से अवेलेबल हो। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ताकि आप मोल्ड की कॉस्टिंग को कम कर सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 15 mm, 15 mm से ज़्यादा होता है, 12.50 ले लेता हूँ, या 15 mm डायामीटर वैसे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, चलिए ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर वैसे मैक्सिमम ऐसा डाया लेना है कि जो आपको सही रहे, तो मैं 10 mm भी लूंगा तो 10 mm, लेकिन थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, तो इजेक्टर पिन के हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो चलिए 14 mm ले लेता हूँ, इसको करते हैं ओके, इसको करते हैं, चलिए क्लोज नहीं करते। यहाँ पर मुझे और भी डायामीटर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको करते हैं वायर फ्रेम में, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं सेंटर से, ठीक है कितना हो गया, 225, इसको करते हैं कम और इसको करते हैं कम, यहाँ से इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर इसीलिए मैं डिस्टेंस पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। डिस्टेंस की वैल्यू दो, इसको दो 60। ओके देखो, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है, और थोड़ा सा आगे लेके आना पड़ेगा, यहाँ पर देते हैं इसको 80, 75, 70। ओके, तो यहाँ पर इसकी एक पोजिशन देते हैं, तो यहाँ पर एक इजेक्टर पिन हो जाएगी। ठीक है, और ये सेंटर वाले को मैं कर देता हूँ कन्वर्ट टू रेफरेंस। इजेक्टर पिन का डाया क्या लेते हैं, इजेक्टर पिन का डाया लेते हैं 6, 7, 8, कम ही लेना पड़ेगा, 8 mm। ओके, इसको कर देते हैं ओके। चलिए, दो ही पिन बनाएंगे हम लोग, ज्यादा पिन क्रिएट नहीं करेंगे, बाकी तो हम लोग क्या करेंगे उसको पैटर्न कर देंगे। ओके चलो, तो यहाँ से ठीक है, इसको करते हैं ओके, यहाँ से एक्सटेंड, इस फेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं इसको ओके। ठीक है, उसके बाद इस को भी मुझे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। ओके चलो, ठीक है, 1, 2,
यहाँ पर सभी फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मे बी अनटिल सिलेक्टेड 1 2। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाएगा सिलेक्ट तो हम इसको सिर्फ एक्सट्रूड कर लेते हैं और रिप्लेस फेस कर देंगे। ओके इसको कर देते हैं, ओके और यहाँ से कर देते हैं इसको रिप्लेस फेस। वन ठीक है, इसको कर दिया ओके। अब बेसिकली क्या है कि ये वाला जो पिन है ये चम्मच को बोल सकते हो स्पून को साथ में निकाल देगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं कंप्लीट बना देता हूँ इसको। इस पे करते हैं डबल क्लिक, इसको करते हैं ओके। ठीक अनटिल सिलेक्टेड, चलिए इसको भी कर देते हैं पीछे। ठीक है, कॉलर बना देते हैं इसकी भी। सबसे पहले इसको कर देते हैं रिप्लेस फेस इसके साथ, इसको कर देते हैं रिप्लेस फेस इसके साथ, इसको करते हैं ओके। चल ठीक है, कंट्रोल जे। देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज करने वाले हैं, स्प्रूक बॉलर को कैसे क्रिएट करेंगे उस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो सभी पूरे कंप्लीट डिजाइन को ही आपको ध्यान से देखना है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा और ध्यान से देखना है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे मैंने वो किया था। ठीक है, चलो इसको करते हैं एक्सट्रूड। ये हो गया रीजन बाउंड्री, इसको कर दिया मैंने 5 का डिस्टेंस लेते हैं इसका, कि ज़्यादा का ले लें बताइए आप। ठीक है, 5 के ले लें या फिर ज़्यादा का लेना है तो 10 का ले लेते हैं। और इसको कर देते हैं कॉलर दे देते हैं, यहाँ से जाते हैं मोर और इसको करते हैं ऑफसेट। ठीक है, यहाँ देते हैं 5 mm और उसे करते हैं यूनाइट, इसको भी करते हैं यहाँ से लिया कर्व। सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट और इस बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से देते हैं ऑफसेट 5 और ओके। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों को चाहे तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले कर देता हूँ मैं पैटर्न। ठीक है, क्योंकि यही प्रोफाइल है, इसकी यही प्रोफाइल रही कि हमने इसी स्पून को हम लोगों ने पैटर्न किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई अगर बात करना चाहता है। मोल्डिंग वर्ल्ड, वेरी नाइस, प्लीज विजिट माई चैनल, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ हाइड। ठीक है, हेलो दोस्तों, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे इस टाइम पे ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट मौजूद नहीं होते, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके लिए लेके तो आना पड़ता है। चलिए यहाँ पर करते हैं इसको पैटर्न ज्योमेट्री। पैटर्न ज्योमेट्री करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ ठीक है सेंटर, स्पेसिफाई पॉइंट 0 0 कितना है 20 है, इसको कर देता हूँ मैं ओके। ठीक
है, एक बार मैं सभी स्पून को इसके ऊपर रख के अगर देखूंगा तो किस तरह से इजेक्ट होगी वो देख लूँ मैं एक बार, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह से ये बनेगा। ओके ठीक है, वैसे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी देखो कितना काम लग रहा है अगर इसके ठीक है, मोल्ड डिजाइन के कोर्स के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। 1 मिनट, ओके 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर कोर्स के बारे में बताओ। इस प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स अगर आपको करना है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 30 डेज का ये कोर्स है, ऑनलाइन लाइव लेक्चर मैं इसमें प्रोवाइड कराता हूँ आपको, और सिर्फ 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है फॉर सिक्योरिंग सीट। ओके, सिक्योर सीट करने के लिए 500 रुपये का आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देना होगी, ठीक है, और जिसमें मैं आपको 2 दिन का डेमो प्रोवाइड कराऊंगा, लाइव डेमो क्लास। ओके, लाइव गूगल मीट क्लास में आपको प्रोवाइड कराता हूँ, लेक्चर रिकॉर्डिंग कंप्लीट 10 फोल्डर कोर्स कंपोनेंट विद सोर्स फाइल। ओके, तो फॉर द प्रैक्टिस। अगर इसके लिए आपको बेसिकली प्लास्टिक फोल्ड डिजाइन करने के लिए एनएक्स यूनिग्राफिक्स कैड सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इफ यू हैव द नॉलेज यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम इजिली। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप 15 डेज का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, जो कि एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कैड कोर्स रहेगा, जिसमें आपको आपके एनएक्स यूनिग्राफिक्स से रिलेटेड क्लासेस लूंगा, डाउट समझाऊंगा और एनएक्स यूनिग्राफिक्स कंप्लीट करेंगे हम। ओके, 8871 पे, 5119 75 पे आप जल्दी से जल्दी आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आपको इसके सिलेबस सेंड कर दूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, तो चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या, और अगर आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ जरा, ठीक है, यहाँ से देखते हैं पैटर्न, ये वाला पैटर्न वाला है, और यहाँ पर एक ये पिन है और ये पिन है, यहाँ पर कीप टूल को ऑन रखते हैं और ओके कर देते हैं, देखो ठीक है। और मैं आपको कुछ बता रहा था, यहाँ पर इसको हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना इसका कॉलर, क्योंकि इसके बीच में हमको डिस्टेंस कम मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना इसमें। देखो यहाँ पर देखते हैं एक्सट्रूड कौन सा पार्ट है, ये तो देख लेते हैं, ये वाला सेकेंड वाला पार्ट एक्सट्रूड, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 5 है ना, तो इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं ओके। देखो थोड़ा सा कम हो गया, सभी में हो गया, तो एक्स या एक जैसा टर्न करने का हमको ये थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। ओके चलो, यहाँ पर ये चीज समझ में आई आपको, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट को साथ में हम लोगों को कंबाइन करना पड़ेगा, है ना, कंबाइन करना पड़ेगा, ये देखो ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ ओके। चलिए यहाँ पर करते हैं इसको क्लिक, यहाँ पर करते हैं क्लिक, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी जितना मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन इसमें आपको मैंने इजेक्टर पिन्स का तो मैंने आपको बताया, लेकिन पुलर का नहीं बताया, तो पुलर को मैं डिजाइन करना बता देता हूँ आपको, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये रहा पुलर, ये रहा नीचे, चलिए इसको ले जाते हैं इधर, इसको भी ले जाते हैं इधर, ठीक है, ये वाला पोर्शन है इधर, चलिए। तो यहाँ से इसके अंदर ही एक हमको पोर्शन काटना होगा, कैसा, जो कि इसमें ही होगा, ठीक है, तो इसको ले लेता हूँ, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। स्केच, स्केच लेने के बाद मैं क्या करता हूँ इसमें, देखो यहाँ पर एक स्केच बनाते हैं हम लोग, और यहाँ से इस स्केच को इस तरह से क्रिएट करते हैं और जेड टाइप का एक पोर्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी आपको स्केच ठीक लगे वैसा आप स्केच क्रिएट कर लो इसको, और इसको यहाँ पर ऐसा बना दो। ओके, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, देखो
ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। वैसे तो इसको मुझे इतना ही लेना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली इसको पुल करके रखेगा। ओके, आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें से इशू कर देता हूँ और ओके। ठीक है, इसको इसके साथ में कर देता हूँ ऐड। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये किसका पार्ट रहेगा, ये रनर रनर और फीड सिस्टम का ही पार्ट रहेगा। मतलब आपको 1 मिनट, ठीक है, ये चीज़। और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा, इसको भी यहाँ से काटना पड़ेगा मुझे, यहाँ से इसको कर देता हूँ हाइड। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये भी उसी का पार्ट रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ से कर देता हूँ ओके। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये भी इसी का पार्ट रहेगा। यहाँ से करते हैं इसको यूनाइट, इसके साथ इसको कर देता हूँ मैं यूनाइट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा बेसिकली इसके अंदर क्या चीज होती है। तो ये जो पोर्शन है, जो कटिंग पोर्शन है, ये इसके साथ यहाँ पर अटक जाता है। जब मोल्ड ओपन होता है तो बेसिकली ये फीड सिस्टम को क्या करके रखता है, अटका के रखता है अपने अंदर। ठीक है ना, अगर मैं इसका वायर फ्रेम अगर आपको बताऊं तो देखो, ये वाला पोर्शन इसको क्या करके रखेगा, अटका के रखेगा इसके अंदर, राइट। ये देखो, ठीक है, यहां से करते हैं सॉलिड कंट्रोल एच करके देखते हैं। देखो ये पोर्शन, देखो इसको अटका के रखेगा इस तरह से। ठीक है, तो जब ओपन कंडीशन में होगा और बेसिकली जब ये इजेक्शन करेगा, तो इजेक्शन करने के दौरान ही ये इसको रिलीज करेगा। ये एक अंडरकट की तरह काम करेगा, लेकिन इसको ये कोर की तरफ पुल करके रखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर की तरफ पुल करके रखना, ताकि एच कंपोनेंट को आप इजी तरीके से इजेक्शन कर सको। अगर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल अगर केविटी के साथ साथ अगर चिपक जाएगा तो आप इजेक्ट किसको करोगे, है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी ये वाली, और यहाँ से इसको ले लेते हैं, इसको कर देते हैं हाइड, इसको और इसको भी कर देते हैं हाइड। तो सबसे पहले इस प्लेट में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, और ये देखो इसके ऊपर देखो पिन किस तरह से दिख रही है, जो एक स्पून का जो बेसिकली कर्व शेप है, उसी तरह से इजेक्टर पिन ने अपना शेप ले लिया है, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस फेस किया था। ओके, चलिए यहाँ से एक काम करते हैं, इसको करते हैं सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और किसको सब्सट्रैक्ट करना है, पिन्स को। ओके, इसको करते हैं। ठीक है, अब एक और प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, वो वाली प्लेट में भी है। बेसिकली आप एक और काम कर सकते हो, इसमें चाहो तो आप बुश भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बुश को भी लगा सकते हो। अच्छा, इसके अंदर से भी हमको ये काटना पड़ेगा इतना इतना पोर्शन। ठीक है, रनर को इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो अभी एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ती है जब भी आप बनाते हो मोल्ड को। ठीक है, तो सभी चीजें तो आपको, ठीक है, इसके अंदर से हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां से इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, इन दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों को भी आपस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई कलर चूज कर लीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है वो, कंट्रोल जे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर इसको कर लिया और इसको कर दिया कंट्रोल। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, इन दोनों को बोल्डिंग कर दीजिए। चलो, ये रहा इजेक्टर बैक प्लेट, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देख लेता हूँ कोई अवेलेबल है क्या। ओके, थैंक यू सो मच सिक्स वीवर, आई हैव, गुड इवनिंग सर। सर एक फ्री कोर्स करवाओ प्लीज, ऑफ कोर्स डियर। ओ, मेरे पास बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि फ्री हैं, इवन आने वाले टाइम पे मैं फ्री लेक्चर आने लेके आने वाला हूँ। अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो डोंट वरी। ठीक है,
तो कई लेक्चर हैं मैं जो फ्री लेने वाला हूँ, लेकिन कुछ एडवांस लेक्चर हैं जिसके लिए आपको पेड करना ही पड़ेगा, बिकॉज कुछ एडवांस लेक्चर सीखने में मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ स्किल सीखने में आपको थोड़ा सा इवन टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर ठीक है, इसकी करनी है बोल्टिंग 35 और यहाँ से इसको करते हैं 45, यहाँ से करते हैं इसको 55, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ से ले जाते हैं, इसको करते हैं ओके, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं मिरर, इसको भी कर देते हैं मिरर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कुछ पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं इसको बोल्टिंग होल, और यहाँ पर होल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर काउंटर संक नहीं लेना है, काउंटर बोर लेते हैं, ठीक है। M8 M12 की बोल्टिंग कर देते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखो तो बोल्टिंग बाहर निकल रही है, यहाँ पर इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, डेप्थ कितना है 20, तो 15 कर देते हैं, 15 थोड़ा सा कम है, 16 18 ओके, इसे कर दिया ओके। तो ये हो गई इसकी बोल्टिंग दोनों की, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट बटन देना है, तो रेस्ट बटन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, ओके करता हूँ और यहाँ से इसको देते हैं रेस्ट बटन 55 और इसको देते हैं ओके। थर्टी का डाया दे देते हैं रेस्ट बटन का, क्योंकि बड़ा मोल्ड है यहाँ पर, ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पर करते हैं नन, ठीक है, 10 mm इसका थिकनेस लेंगे और इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। चैम्फर 1 2 1 mm का चैम्फर ओके, ठीक है। मिरर ज्योमेट्री ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद करते हैं यहाँ से बोल्टिंग, चलिए इसमें बोल्टिंग कर देते हैं। तो पीछे वाली जो इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर प्लेट में हम लोग बोल्टिंग नहीं करते, सिर्फ इसमें करते हैं ओके। यहाँ से करते हैं होल, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा मदद करेगी बनाने में, ठीक है। M6 का दे देते हैं, M8 का दे देते हैं, इसको करते हैं अप्लाई, ठीक है, इसको करते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर ये रेस्ट बटन करके तैयार हो जाएंगे, इसके अंदर इवन होल भी हो जाएगा ओके। ठीक है, तो ये रेस्ट बटन हो गए, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट यू। देखो अभी यहाँ पर एक चीज है जो हम लोगों ने नहीं की, इसके अंदर हम लोगों को इसको और इन प्लेटों को आपस में ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगी हमको, यहाँ पर ये वाला जो है इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा एक्सट्रूड, और इस एक कर्व को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको थ्रू होल अगर निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको डस्टर मोड में बताया था कि उसमें हम लोग बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग होल के अंदर डाल सकते हैं डॉवेल पिन, ठीक है। डॉवेल पिन का इस्तेमाल करके हम लोग काम कर सकते हैं। अप्लाई करा इसको 1 और 2, इसको करा अप्लाई, इसको करा अप्लाई, यहाँ से करा 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको करा अप्लाई 1 और 2,
ठीक है, चलिए शुरू कर दिया। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि इन प्लेटों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो ये हो गया मूविंग हाफ। ये वाला जो है बेसिकली मूविंग हाफ है, मूविंग हाफ को आपको आपस में जोड़ना होगा, जो कि हम बोल्टिंग से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इस पर करते हैं क्लिक, इस पर कर दिया। ओके, यहाँ से। ठीक है, तो जो बोल्टिंग हमने वहां पर दी थी वही बोल्टिंग हमको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक स्केच देते हैं, यहाँ पर करते हैं 80, इसको कर दिया मैंने। ओके, ठीक है, यहाँ से सी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लेते हैं, इसको कर दिया। ओके, ठीक है, इसको कर देते हैं मिरर। ठीक है, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्टेड है सभी होल के जो सेंटर है वो आपके सेम होना चाहिए, चारों साइड से जो उसका सेंटर होता है, द सेंटर पॉइंट, वो उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आसानी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक होल आपका किसी दूसरी पोजिशन पे हो रहा है और दूसरा होल किसी दूसरी पोजिशन पे हो रहा है, उससे क्या है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, चलिए शुरू कर दिया यहाँ से, यहाँ पर ये हो गया सेकंड, ऐसे कर दिया अप्लाई, यहाँ से भी कर दिया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ऐसे कर दिया अप्लाई। ठीक है, इसकी भी बोल्टिंग हो गई और यहाँ पर ये, तो इसका अब जो सिस्टम बचा है वो है कूलिंग। तो यहाँ पर मैं क्लैंपिंग सिस्टम लगा देता हूँ, जिससे हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इसको क्लैंप करेंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कहाँ पर क्लैंप करेंगे मैं वो आपको चीज़ बता देता हूँ। ठीक है सर, आई एम लाइक यू। ओके, थैंक यू शिवम गौतम, गुड इवनिंग सर। ठीक है, श्रिंकेज कैसे ऐड करते हैं पार्ट में, चलिए मैं बता देता हूँ आपको श्रिंकेज ऐड करने का तरीका। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपोनेंट है, पहले मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, जो क्लैंपिंग के लिए मैं आपको इसके अंदर स्लॉट बताने वाला था वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये है हमारे पास कंपोनेंट, देख लेते हैं कौन सा कंपोनेंट है। डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई एक कंपोनेंट होगा, चलिए ये कंपोनेंट है मेरे पास। ठीक है, एक कैप का मॉडल, कैप का एक पार्ट है। ठीक है, कैप कैप है ये बेसिकली सैनिटाइजर की बोतल की। चलिए इसको मुझे करना है, तो इसका मुझे श्रिंकेज देना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो श्रिंकेज देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो हर मटेरियल के लिए श्रिंकेज अलग अलग होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, हर मटेरियल के लिए श्रिंकेज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली श्रिंकेज होता है डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, साथ में किस श्रिंकेज डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर हमको खुद प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ओके, तो श्रिंकेज में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि पीपी मटेरियल है जिसको बोलते हैं पॉलीप्रोपिलीन, तो ये बॉटल की जो कैप है ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल की बनी है, तो इसके लिए मुझे श्रिंकेज वैल्यू देना है। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक रेंज है कि इसकी रेंज होती है 1.5 to 3%। ओके, तो मुझे फॉर एग्जांपल इसका 2% श्रिंकेज लेना है, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल मेथड यूज करेंगे, टू डिवाइड बाय, सॉरी 1 मिनट, टू डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो वी विल गेट दिस वैल्यू 0.02। ठीक है, एड 1 इन दिस वैल्यू, यू विल गेट दिस वैल्यू 1.02। ठीक है, तो 1.02 जो वैल्यू आएगी बेसिकली ये स्केल बॉडी में आपको पुट करना है। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन स्केल बॉडी कमांड। ओके, कंट्रोल वी करके आप इसको ऐड कर दीजिए और इसको कर दिए ओके। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका बेसिकली क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो हम इसका वॉल्यूम क्यों बढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब प्लास्टिक मटेरियल मेल्टिंग कंडीशन में होता है, जब हम उसको ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने के दौरान बेसिकली वो सिकुड़ता है, वो श्रिंक होता है। ठीक है, तो जितना श्रिंक होता है उतना हमको उसमें ऐड करना होता है, कैविटी में, इम्प्रेशन में हम उसको ऐड करना होता है। देखो जब ये श्रिंक नहीं था तब इसका वॉल्यूम कितना था, देखो थोड़ा सा कम हुआ, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। देखो अगर मैं इसको फिर से करूँ, स्केल बॉडी को मैक करंट फीचर करूँ, देखो बढ़ गया, यहाँ पर स्केल बॉडी को मैं मैक करंट फीचर से हटाऊँ फिर से, देखो कम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसी वैल्यू को बोलते हैं श्रिंकेज वैल्यू, इसको हम लोग स्केल बॉडी से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं,
इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको भी कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट, हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास है यहाँ पर कंप्लीट मोल्ड। तो इसमें मुझे बनाना है क्लैंपिंग, क्लैंपिंग स्लॉट बनाना पड़ेगा जहाँ पर। अब क्लैंपिंग स्लॉट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो ये है क्लैंपिंग स्लॉट के लिए। तो यहाँ पर आपको एक मोल्डिंग मशीन दिख रही होगी, ठीक है, ये मोल्डिंग मशीन दिख रही है। तो ये वाली प्लेट है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्लेटन, ठीक है, फिक्स्ड प्लेटन बेसिकली, और इसको बोलते हैं मूविंग प्लेटन। यहाँ पर कैविटी हाफ को लगाया जाता है, यहाँ पर कोर हाफ को लगाया जाता है, मूविंग हाफ को लगाया जाता है। ओके, तो बेसिकली ये मूव कर रही, तो मोल्ड जो रहता है ये मोल्ड इन दो प्लेटों के साथ क्लैंप होता है। तो आपको यहाँ पर ये पोर्शन दिख रहा है, बेसिकली ये क्लैंपिंग पोर्शन है। तो इसके साथ आपको क्लैंप करने के लिए स्लॉट तो काटना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस स्लॉट काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोर्शन को क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं। या तो अगर हम लोग इसमें अगर इसका साइज थोड़ा सा वैसा होता तो हम इसमें से काट भी सकते थे। ओके चलो एक काम करते हैं, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, इसको कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको क्रिएट कर देता हूँ, बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 30 और इसको कर दिया मैंने ओके। चलिए इसको कर दिया एक्सट्रूड, इसको कर दिया 20, और 20 mm थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ओवर कर देते हैं, इसको कर देते हैं 25 mm, इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, इसको इसके साथ मैंने कर दिया ऐड, लेकिन ऐड अभी नहीं करूंगा, इसको मैं मिरर कर देता हूँ। यहाँ से करा इसको मिरर, स्पेसिफाई प्लेन, और इसको करा यहाँ से मिरर, अप्लाई 1 और 2, इसको भी मुझे इधर मिरर करना है। तो ये दो फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट और ये सेकंड, इसको कर दिया मैंने ओके। इसके साथ मुझे करना पड़ेगा इसको ऐड, यूनाइट, अप्लाई, यूनाइट, अप्लाई, ठीक है। यहाँ से सभी कर्व को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें अभी कूलिंग सिस्टम बाकी है। कूलिंग हमको करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले से पहले हम लोग इसमें देते हैं कुछ रेफरेंस कट, ठीक है। चलिए रेफरेंस कट देते हैं, यहाँ पर मैं रेफरेंस कट देता हूँ। रेफरेंस कट बेसिकली क्यों यूज होता है, वो होता है असेंबली के लिए। जब असेंबली करते हो आप किसी भी मोल्ड के लिए, तो वहाँ पर आपको जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए अभी तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर। चलो, तो रेफरेंस कट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी। तो मैं चैम्फर ले लेता हूँ और एक रेफरेंस कट सभी में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, कितने का दे दें, 10 का, मे बी 20 का रेफरेंस कट दे दो, मोल्ड बहुत बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा 20 का रेफरेंस कट, इसको कर दिया मैंने ओके। ठीक है, तो ये रेफरेंस कट क्या होता है कि बेसिकली इससे पता चलता है कि कौन सी प्लेट कहाँ पर लगनी है, कौन सा भाग कहाँ पर लगना है। वैसे तो आप सभी आइडेंटिकल लोगे, चारों साइड पे जो भी डायमेंशन रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन एक रेफरेंस कट जरूरी है। ओके तो चलो ये रेफरेंस कट को मैं कुछ अलग से कलर दे देता हूँ, ताकि डिजाइन में भी ये मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट में आपको समझ में आए। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पर रेफरेंस कट को वाइट कलर, ठीक है ओके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चीज समझ में आ रही होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है, क्यों किया है। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको मोल्ड बता देता हूँ कंप्लीट, किस तरह से मोल्ड आपका नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें अभी कूलिंग बाकी है जैसा मैंने आपको बताया। तो आपको इसमें सिंपल कूलिंग का इस्तेमाल करना है, जो कि इनलाइन कूलिंग होगी। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कूलिंग का इस्तेमाल नहीं करना। तो हम लोग इसके अंदर जो कूलिंग इस्तेमाल करेंगे वो कैसी रहेगी, वो रहेगी इस तरह से पूरे रेक्टेंगुलर टाइप की कूलिंग। ठीक है, तो इस तरह से पाइप इस तरह से पूरे चारों तरफ से मूव करेंगे। ठीक है, तो अच्छी कूलिंग इस चम्मच के लिए, इस स्पून के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग कल देखते हैं।
ठीक है। तो तब तक मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट कोर्स विद कैलकुलेशन, जिसके अंदर हम लोग को फीड सिस्टम कैलकुलेशन, स्लाइडर एंगल कैलकुलेशन, लिफ्ट एंगल कैलकुलेशन, अनस्क्रूइंग मोल्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, विद कैलकुलेशन के साथ हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगस्त की बैच स्टार्ट है, बेसिकली 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह है, कोई चीज़ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कृष्ण नंदन कुमार जी बोल रहे हैं, सर स्केल बॉडी के अलावा और कोई है श्रिंकेज ऐड करने के लिए कमांड? ठीक है, बेसिकली देखो, श्रिंकेज आप मोल्ड विजार्ड का इस्तेमाल करते हो तो मोल्ड विजार्ड में भी आपको श्रिंकेज ही देना है, ठीक है। अगर आप श्रिंकेज अगर दोगे तो बेसिकली वो भी स्केल बॉडी से ही देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप स्केल बॉडी का इस्तेमाल करके वहां पर भी दे सकते हो, इवन मोल्ड डिजाइन में भी, मोल्ड विजार्ड में भी अगर आप दोगे तो भी स्केल बॉडी से ही आप प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन आपको, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, ठीक है। और साथ में अगर आप शेयर करना चाहते हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, चैनल के बारे में। और मोल्ड डिजाइन, टूल डिजाइन के बारे में हम आगे बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं, जो कि कल रहेगा। कल लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए, तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय।